नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। आपको बता दें कि अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष EIP गुप्ता पान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर मीडिया से बात करते हुए कहा कि 4 जून 2023 को पटना के बापू सभागार में अखिल भारतीय पान महासंघ ने कबीर जयंती समारोह के अवसर पर पान को जानो, पान पहचानो और पान को मानो महासम्मेलन कार्यक्रम का निर्णय लिया है, जिसके लिए बापू सभागार को मार्च के आखिरी सप्ताह में ही आरक्षित कर लिया गया था। इस महासम्मेलन का उद्घाटन के लिए बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात की और वे 4 जून को आने के लिए अपनी सहमति दिए हैं। गुप्ता ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के अलावा इस कार्यक्रम में मेरे नेता बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी और बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास जी भी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को भी आमंत्रित किया गया है। इस दौरान और क्या कुछ कह रहे हैं EIP गुप्ता, देखिए इस वीडियो में। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में सोशल मीडिया के पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ। मेरे साथ बाएं तरफ बैठे हैं अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री कुशेश्वर दास जी, दाहिने तरफ प्रदेश अध्यक्ष श्री राम सकल दास जी, उपाध्यक्ष रामशंकर तांती जी और महासचिव श्री राजीव कुमार जी। दोस्तों, आज प्रेस वार्ता आपको बुलाने का मुख्य मकसद ये है कि 4 जून संत कबीर साहब का जन्म जयंती है और हम लोगों ने अखिल भारतीय पान महासंघ ने यह निर्णय लिया है कि पटना के बापू सभागार में 4 बजे कबीर जयंती के अवसर पे पान को जानो, पान को पहचानो और पान को मानो एक महासम्मेलन करेंगे। और जैसा आप जानते हैं कि पान जाति बिहार में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। अभी मैं ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये पान है क्या। आप देखेंगे बिहार के विभिन्न जिलों में अलग अलग चीज़ों में हम अलग अलग टाइटल से नाम से जाने जाते हैं, जैसे तांती है, ततवा है, ततमा है, दास है, शर्मा है, वर्मा है, मंडल है, प्रसाद है, राम है, गुप्ता है, सिंह है, महतो है, शाह है, केसरी है, कश्यप है, सरदार। ये करीब 15-20 नामों से हम लोग जाने जाते हैं और बिहार के 38 में से 35 जिलों में लगभग हम लोग 80 लाख हैं। यूं कहें तो 20 विधान लोकसभा में हम लोग 2 लाख या 2 लाख से अधिक हैं। एक उदाहरण सिर्फ आपको देते हैं कि मधेपुरा लोकसभा में हम लोग जादवों के बाद सेकेंड लार्जेस्ट हैं। समस्तीपुर जिला में, एक जिला में 4,65,000 वोट काउंटेड है। इसी तरह 150 विधानसभा हैं बिहार में जहाँ हम लोग 10,000 से लेकर 50,000 मतों तक हैं। और जब हमने ये 27 जनवरी को बापू सभागार आरक्षित किया था तो एक बैठक की थी कि इसकी रूपरेखा कैसे तैयार की जाए, तो अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पे हम लोगों ने बाबू जगजीवन राम शोध संस्थान में एक बैठक की थी जिसमें बिहार के 25 जिलों के प्रतिनिधि आए थे और उसके बाद हम लोगों ने पूरे बिहार का भ्रमण किया है। अभी 38 जिला में से 25 जिले में हम लोग भ्रमण कर चुके हैं, जन जागरण कर चुके हैं। आप देखे होंगे सोशल मीडिया में गांव-गांव में ये पानमय हो गया और हम वहां तक भी पहुंचे हैं जहां कि हमारे जाति के लोग बेसिकली राजमिस्त्री और मालवर मिस्त्री हैं और शहर के बड़े बड़े शहरों में आप जहां भी जाएंगे वहां पाएंगे कि ये राजमिस्त्री या मालवर मिस्त्री करने वाले अगर कोई जाति है तो वो पान का ही है। तो मैं उन शहरों का भी दौरा किया है, हैदराबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली, ये सारे शहरों में गया और उन लोगों से मिला हूँ। ये कहने के लिए पान की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है, आपको इसका हिस्सा बनना है। 75 साल हो गए, इस 75 साल में हमारे समाज से एक भी MP MLA नहीं बना है। इस महाजुटान जो 4 जून को होने वाला है, मैंने आमंत्रित किया है हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह के साथ। हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने के लिए गए थे और उनसे हमने निवेदन किया था कि 4 तारीख को आपको आना है, इस कार्यक्रम का उद्घाटन करना है। उन्होंने अपनी सहमति दी है कि वो 4 तारीख को आएंगे और उस मंच पे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, बिहार के कांग्रेस प्रभारी श्री भक्त चरण दास जी और हमने तेजस्वी यादव जी को भी आमंत्रण भेजा है कि वो भी इस कार्यक्रम के आएँ। और दूर दराज से जो लोग पान, हमको लगता है लगभग 25 से 30 हज़ार हम लोग
बापू सभागार को घेर लेंगे उस दिन। लेकिन जो 3 तारीख को रात में आगे जैसे मधुबनी सहरसा से जो लोग आएंगे उसके रहने और खाने की व्यवस्था किया है हम लोगों ने, और 4 जून को रात में लौट भी नहीं पाएंगे बहुत सारे लोग, तो उनके लिए भी हम लोगों ने खाने और पीने रहने की व्यवस्था किया है। और मुझे लगता है कि बापू सभागार के सामाजिक या जो भी महासम्मेलन हुआ है, पान सम्मान महासम्मेलन, बापू सभागार के इतिहास में एक अभूतपूर्व होगी और सबसे विशाल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना वादी आएगा कि आपके कार्यक्रम को कमजोर करने के लिए 28 तारीख को उनका भी एक कार्यक्रम है वहीं ज्ञान भवन में। देखिए, मुझे पता है कि पान वो चौपाल जाति के जो भी लोग हैं वो पान चौपाल एक करने की कोशिश कर रहे हैं। चौपाल का जाति जनगणना कोड में 66 है और पान का 112 है। चौपाल मधुबनी सहरसा दरभंगा समस्तीपुर सुपौल में है, 5-6 जगह। अब पूरा देखेंगे तो हम 80 लाख, 38 में से 35 लाख है। 80 लाख के कंपेरिजन में अगर आप पाते हैं चौपाल बहुत कम है, हमको लगता है 2 या 3 लाख हो सकता है, 4 लाख मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन वो हम 80 लाख पान वाले में से एक भी आज तक MLA ने, एक भी नेता नहीं, लेकिन हमने उन्हें गले लगाया, उनको वोट दिया, उनको चंदा दिया। उनमें दो नेता स्थापित है, एक विधायक है और एक भाजपा पे बड़े नेता है। तो पान चौपाल अलग अलग है, वो जो चीज़ें कर रहे हैं वो उनकी अपनी चौपाल की मीटिंग है 28 तारीख को जो करने जा रहे हैं, मेरा पान का है, हम दोनों अलग अलग हैं। चलिए, सर एक सवाल है मेरा,